Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे से उतारे time।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जतिनौ अधीतमस्तु मद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा भगवती की तो भी मिश्र तो उनको ये साधन भी सुटेबल ना होगा। भगवती ये इतना सरल और सुबोध साधन भी उनके लिए दुष्कर दुष्प्राप्य प्रतीत होने लगेगा, फिर क्या किया जाना चाहिए? भगवान के दरबार में निराशा तो है ही नहीं, मानो निराशा भगवान के दरबार से हमेशा के लिए सिर पे पैर रखकर कहीं समुद्र की तह में जा चुकी है या ज्वालामुखी के मुंह में अपने आप को बिल्कुल ही गिराकर सर्वनाश कर चुकी है। तो भगवान मुस्कराए, भगवान का मुस्कराना बहुत ही कमाल का, कब भगवान ने मुस्कराया? भगवान तो अनेक स्थलों पर अनेक स्थानों पर अनेक प्रसंगों में मुस्कराए हैं, पर इनकी अगर विशेष मुस्कान का लाभ उठाना हो तो मैं बताता हूं इनकी विशेष स्थान पर विशेष मुस्कान मेरे हृदय पटल पर लिखी पड़ी है। उनमें मैंने क्रम अनुसार पहला क्रम इस मुस्कान को दिया हुआ है कि मेरे इष्टदेव कहां कहां मुस्कराए। नंबर वन मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, फिर तरसा तरसा के आपको पिटा पिटा के बताऊंगा, ऐसी नहीं मैं रिसर्च आपके झोली में डालना चाहता। भगवान एक जगह मुस्कुराहट जिसका मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, इधर फौज थी और उधर फौज थी, मेरे भगवान की मुस्कान का लाभ आप भी उठा लो, आप भी उठा ले बेटी। मैं इसलिए हर को कहता रहा तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने में भगवान की मुस्कुराहट आ जाती है। लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू वीप एंड यू वीप अलोन। अगर आप मुस्कुराओगे सारे आपके साझी हो जाएंगे, रोगे तो फिर अकेले बैठ के रहो, रोने के साथ ही कोई भी नहीं, क्योंकि रोना तो हर एक के पास है। हिम्मत है कि हम मुस्कुराते रहें तो बड़े साझी बन जाएंगे हमारे, कई हमारे पार्टनर बन जाएंगे। देखिए भगवान की मुस्कुराहट, इधर फौज थी और उधर फौज थी, दिल अर्जुन का और गम की एक मौज थी, ऋषि के कुछ मुस्कराने लगे वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। भगवान की मुस्कुराहट एट दैट वेरी टाइम जबकि दोनों ओर फौजें खड़ी है, अजी नहीं खड़ी भी विशेष रूप में है, विशेष रूप में उनको खड़ा कर दिया गया है, एक विशेष शक्ल दे करके जिसे बोलते हैं चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में उनको खड़ा किया हुआ है। और उस वक्त अर्जुन का दिल गिर गया है, खून के रिश्तों को देखकर उसके मन पर बड़बड़बुरी बीती है। तो भगवान मुस्कुराने लगे और चोटी का उपदेश शुरू कर दिया जिसका मैं और आप जी खोल के लाभ उठा रहे गए उठाते रहेंगे जब तक कि अपने भगवान की सत्ता में एक में एक हो नहीं जाते। तो लीजिए भगवान वहां मुस्कुराए, एक मुस्कुराहट ध्यान देखिए, जब जी कहता है मैं इस दूसरे साधन को भी अपनाने के योग्य नहीं हूं, तो भगवान मुस्कुराते कहते हैं आप उसे तीसरा साधन बताओ। है कोई दुनिया भर में शास्त्र जो साधक को छूट देता जाता हो? अभी आपने सुना है बड़े प्रेम से प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। सुंदर अति सुंदर भगवान की प्रेरणा देकर के ऐसी गीत कवियों के मुख से हमारे जैसे आने वाले
श्रद्धालु पीढ़ियों के लिए निकलवा लेते हैं। अब भारत जी तीसरा साधन बताने जा रहे हैं। दूसरे साधन पर यथामति शक्ति बहुत प्रकाश डाल दिया गया। अब तीसरा साधन क्या है दिव्यो, जो मन बुद्धि भी इस देव जी को समर्पित पूर्ण रूप नहीं कर सकते, हर समय मालिक के नाम में भी अपने आप को नहीं लगा सकते। हालांकि ये बहुत आसान है, श्रद्धा और प्रेम बढ़ी हो तो वृत्ति मालिक में लगी रहती है। जहां जहां भी आपका प्रेम है, जहां जहां भी आपके श्रद्धा और प्रेम हुई, आपका मन वही छिटके चला गया। अब जब संस्कार जागते हैं, सतोगुण बढ़ जाता है, तो हमारा मन अनायास बिना प्रयास हजूर की ओर लग जाता है। और जब लग जाता है तो ख्यालों की दुनिया में, विचारों की दुनिया में भगवान का टिकना स्वाभाविक हो जाता है। पर मैंने अभी भी कहा ना, जिनमें सतोगुण की मात्रा अधिक नहीं है, रजोगुण मिक्स्ड है, मिश्रित है, उनको कभी तो याद आएगी, कभी संसार की। या जब भी जब अपने बातें करते हैं यहां कर, तो मैं यही कहता हूं, इस वक्त का तो घर को भुला के आया करो, इस वक्त धिया पुत्र को भुला के आया करो, इस वक्त समझा करो मैं एकली हूं, ना मेरी कोई शादी है, ना मेरे कोई घर वाला है, ना मेरे बच्चे हैं, मैं एकली हूं, मैं ना क्या, बस मैं कंजक हूं। थोड़ी देर के लिए भूल के आना चाहिए ताकि वृत्ति मालिक में जम जाए। ये बखेड़े हैं, ना लेके आए थे ना लेके गए हैं, माँ बाप के घर से हम अकेली निकली थी और इस जहान के घर से भी अकेले जाएंगे। ये जिंदगी और मौत के बीच में ये जो चक्रव्यूह हमें मिला है, इस वक्त भूल के आया करो ताकि सत्संग का लाभ पूरा उठाया जा सके। काफी मेरी माताएं अपनी गृहस्थी के झमेलों को साथ लेके आती, काफी मेरी बेटियां अपनी गृहस्थी के झमेलों के साथ वो फैलाव नहीं उठा सकती, मृत्यु उधर भागती रहेगी। मन को समझा कर तो सारा दिन सारी रात चली गई, मरो काठ मारो करो या सब यह छोड़ पर इनको, इस वक्त तो मैं अपना मन एकला लेके जाऊं और सबको छोड़ के जाऊं। जहां पर अगर लाभ उठाना है भगवान की वाणी का, तो इस वक्त भी आप टंटे बंटे लेके आ जाएंगे, लाभ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि लाभ तो उठाना है मन ने, तन की किसी अंग ने नहीं उठाना, मन ने। अगर मन ही एंगेज हो गया तो बात बनेगी नहीं, होगा नहीं। बड़े ध्यान से, और ऐसी वाणी हमें सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। रामायण तो अनेक जगह मिल जाएगी, भागवत पुराण भी अनेक जगह मिल जाएगा, और भी शास्त्रों की सत्संग मिल जाता है, लेकिन गीता जी का सत्संग परमात्मा की कसम खा के कहूंगा बहुत कम ये मौका हो। शाजो नादर नसीब, भगवान विशेष कृपा करें किसी पर वो गीता सुनाए। मियां मिठू नहीं बन रहा, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, भगवान विशेष किसी पर कृपा करें, उनसे विशेष अपना बनाए और विशेष शक्ति दे के गीता सुनाए, और विशेष कृपा सुनने वालों पे करें तब गीता समझ आए। सुनाने वाले पर भी विशेष कृपा हो जैसा महसूस कर रहा हूं, और आप भी महसूस करेंगे, श्रोताओं पर भी विशेष कृपा हो तब वो भगवान की वाणी समझे। क्योंकि समझना सोचना बड़ा मुश्किल है, कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, गीता है ना, जिससे बढ़ के कोई महाशास्त्र नहीं, जिससे बढ़ के कोई फिलॉसफी नहीं, जिससे बढ़ के कोई साइकोलॉजी नहीं है, यानी मनोशास्त्र भी नहीं है, मनोविज्ञान शास्त्र इससे बढ़ के नहीं है, इससे बढ़ के दार्शनिक विद्या भी नहीं है, मजहब कमाल कर दी, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या बोलती है, वेदों में इसे वेदांत कहती है, वेदांत वेदों का अंत, एंड ऑफ द नॉलेज, या नॉलेज भी एंड हो जाती है, या नॉलेज के पर भी खत्म हो जाते हैं। वेदांत के तरह शब्द वेद जमा अंत, वेदों का अंत भाग, या इसके लफ्जी में तब लीजिएगा वेद में नॉलेज, एंड ऑफ द नॉलेज, या नॉलेज भी एंड हो जाती है, इसके बाद क्या जानोगे, इसके बाद क्या, जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं। और बात स्पष्ट कही नाम है अर्जुन, मैं तुझे ऐसी राज की बात बताऊं जिसके जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। पहली बार भगवान ने कहा यह ऐसा राज जान जिसके जानने के बाद तुझे और कुछ जानने की जरूरत ही महसूस, ये पहली बार। आप गहराई में नहीं ना जाते, आपके झमेले आपके टंटे बहुत है, वरना ऐसे आप आश्चर्य करें और प्रेम के अश्रु बहें कि भगवान कितनी कृपा, कह रहे ऐसा ज्ञान बताऊं, नाम अध्याय खोलो, जिसके जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं रहे। गजब 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 कमाल, जिसकी जानने के बाद और जानना ही नहीं रहता, खत्म। कितनी कृपा की है, इतनी चोटी का ज्ञान, इतना चोटी का ज्ञान,
भगवान मेरे और आप पर कलयुगी जीव है, सतयुगी नहीं है, इतने तपस्वी भी नहीं है, झमेलों में आप है, फिर भी भगवान ने पत्नी कौन सा पुण्य भगवान ने देख लिया है कि निछावर हुए जा रहे हैं आप पर, बिल्कुल ही निछावर, बिल्कुल निछावर, आहा बिल्कुल ही निछावर हुए जा रहे हैं। एक लड़की की मंगनी होने लगी, वो लड़का उसकी माँ बाप सारे आए हुए थे, लड़का जरा अलग होकर बैठक में मिला और कहने लगा, लड़की ने कहा एक बात पूछूं मैं आपसे, हाँ मेरा रूप रंग भी कुछ नहीं, मेरी सेहत भी कुछ नहीं, शक्ल भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर आप मुझे स्वीकार क्यों कर रही है? शाबाश, घोड़ा वित मैदान दे, छुपाने वाली बात ही कुछ नहीं, ना रूप रंग ना कोई और बात विशेष है मेरे में, आप किस नाते से मेरी सच मंगनी कर रहे हैं, जरा मुझे पता तो लगे। आपने ठीक कहा, मैं तो इसलिए आपके को पसंद कर रहा हूं कि आपकी परमानेंट पोस्ट है, आप कमाते हैं, मेरा भी गुजारा ऐसे वैसा है, तो दोनों का हो जाएगा और चलका चल पड़ेगा, तो कल अगर मेरे अंग खराब हो जाए और फिर मैं कमाने के काबिल ना रहूं तो श्रीमान जी फिर क्या करोगे, मुझे माँ बाप के घर में वापस छोड़ाओगे बिरंग लिफाफे की तरह? उस वक्त फिर वेख्या जासी। श्रीमान ने जवाब दिया, वो जब टाइम आएगा फिर वेख्या जाएगा सरकार, अभी क्यों ना देख लें। यानी ऐसी मंगनी जो केवल मात्र एक पर हो रही, एक ही गुण देखा गया और शादी हो रही है, भगवान ने पता नहीं कौन सा गुण देखा है जो अपने श्री मुख से ये वाणी हमें सुना रहे, वरना ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे, परमात्मा कसम गीता लेकर आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं कि जे अपने तरफ देखा जाए ना, इंट्रोस्पेक्शन करें हम, पक्षपात रह तो कि धर्म कंडे पे अपने आप को तोले, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, पर ये देखा मैं बख्शिश तेरी ते दाता, बल्ले बल्ले बल्ले, बख्शिश देखी जाए, उनकी कृपा देखी जाए, तो कमाल कर दिया भगवान ने, ये चमत्कार कर दिखाया। नारी वर्ग, नारी चोला क्या लगे, आहा जिम्मेवारी जिम्मेवारियां से आप पे ये वो, फिर गंदा शरीर, और फिर भगवान सत्संग में ला रहे हैं, क्या कहने क्या कहने, इतनी कृपा भगवान आप पे कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त कृपा है, बड़ी कृपा है, और फिर देखिए फिर कृपा साधन की कर रही है, ये नहीं साधन पसंद नहीं हो सकता मेरे से, ये भी नहीं पसंद, दूसरा भी नहीं, ये भी मैं देखता हूँ भूल जाता हूँ आपका नाम, लगातार नहीं का तैल धारावत नहीं रहता, तैल धारावत, इसका फ्लो नहीं बनता, फ्लो टूट जाता है। अच्छा अब मैं तीसरा साधन बताऊ, वाह वाह मैं अब दीवार न बनू, इष्टदेव महाराज जी जो तीसरा साधन बता रहे हैं उसको ले और उसकी गहराई में आज से उतरना प्रारंभ कर दे। महाराज इस साधन की ओर ध्यान दिला रहे हैं, कहती हैं जो अभ्यास के हो ना काबिल अगर, दिल तो मेरा नहीं चाहता कि मैं ऐसा कहूं, पर भगवान कह रही है मैं तो उनका बच्चा हूं, मैं हूं पतंग के कागजी या डोर, उनके हाथ में चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया, मैं तो एक कागज की गुड्डी हूं बच्चे पतंग हूं, मालिक के हाथ में डोर है, ऊपर चढ़ाई जाए देखी जाए, मैं तो उनके मुंह का हूं, जैसे मुझसे बुलवाई जाए, वेल आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। अब हालांकि वो आसान है फिर भी कह सकते मैं लगातार नहीं कर सकता, भगवान कह रही है देखिए निराश नहीं होने दे रहे, जो अभ्यास के हो ना काबिल लगन तो फिर मेरी खातर सब आवा, आ जाओ मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों मेरी माताओं बेटियों, भगवान तीसरा साधन दे रहे हैं, बच्ची भूल जाए अपने आप में, अब तो अपने शरीर से जरा परे हट के सुन, जो अभ्यास के हो ना काबिल अगर तो फिर क्या करूं, पिट्टू नहीं पिट्टू नहीं कुट्टू कुट्टू भी नहीं ना पिट्टू ना कुट्टू, तो क्या करूं, नट्ठू नट्ठू नाम नहीं, नहीं तो क्या करूं, भगवान के लिए कुछ कर दिखाओ। क्या साधारण शब्द है अपने इष्टदेव महाराज जी के, जो अभ्यास के हो ना काबिल अगर तो फिर मेरी खातर सब आमाल कर, मेरे वास्ते ही जो आमिल हो तू तो आमाल से मर्दे कामिल हो तू, आगे बात फिर वही की वही, मर्दे कामिल अर्थात तू सिद्ध हो जाएगा बेटे, सिद्ध साधक से सिद्ध अर्थात तो परफेक्ट हो जाएगा, अर्थात तो मेरे दीदार की ये परफेक्ट पिता बोझा जो दीदारे बारी हो जाता है, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब जीव सिद्ध होता, अदरवाइज नॉट। एक स्टूडेंट प्रोफेसर भी तब बनेगा जब सारी डिग्रियों से लैस हो जाएगा सब, और एमफिल भी अपने जेब में डाल लेगा, देन इट इज पॉसिबल कि वो लेक्चरर बने, वरना लेक्चरशिप मिलती ही नहीं है अंटिल अनलेस वन इज क्वालिफाइड। अब इधर देखिए क्वालिफिकेशन भगवान क्या कह रही है, अगर तो पूर्ण रूप मेरे लिए ही कर्म करता रहा
इसी तू कामिल हो जाएगा। तो अब तो आमाल से मर्दे कामिल हो तू। आज मैं इसी पर रुकता हूँ। जो आभा अभ्यास के होना काबिल अगर तो फिर मेरी खातर सब आमाल कर। बीजारोपण हो गया, मानो किसान ने बीज हमारे मनों में डाल दिया। अगर हम लगातार अभ्यास भगवान के नाम को नहीं कर सकते, भगवान के पावन नाम का हमारे मानसिक जाप नहीं होता, ये जो है मौखिक जाप भी नहीं होता, हाँ तो फिर भगवान की तो कोई बात नहीं। आ मैं तुझे और साधन बताऊ। प्रभु और साधन क्या बता रही है? जो भी हम कर्म करें जी खोल के करें। भगवान कर्म की रोक नहीं लगा रहे, वो तो भगवान पहले ही हमें कर्म योग के अंदर तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में बता चुके हैं। जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और बेअमल आपको कोई मिलेगा नहीं। कारण दलील भी दी है, सभी काम करने पे मामूर है क्यों? तो गुणों ही से फितरत के मजबूर है। जब तक जीव गुण अतीत नहीं हो जाता, सत्गुण रजोगुण तमोगुण में रहता है, तो गुण मजबूर कर देंगे जीव को कुछ ना कुछ करने के लिए। बेटे जी मजबूर हो जाएगा, वन इज बाउंड टू डू समथिंग अदर, क्योंकि क्वालिटीज हमारे अंदर है। यह तो क्वालिटी जीव अभाव हो जाए अपने आप को, जब तक नहीं होता तब तक करोगे। और भगवान ने तो यहां तक का अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम बच्चू, तो मुश्किल है तेरे बदन का कि हम शरीर भी नहीं टिक सकता, शरीर का ठहरना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कहा क्या पढ़िए घर में धन नहीं धन है, हम कर्म नहीं करेंगे, एक एक जोड़ में दर्द शुरू हो जाएगा। भगवान ने शरीर भी ऐसा बनाया, थोड़ी थोड़ी जगह पर जोड़ है, थोड़ थोड़े रास्ते पर जोड़, उंगली में तो कितने जोड़, इसके बाद फिर आगे जोड़, फिर आगे यहाँ जोड़, फिर थोड़ी देर फिर जोड़, फिर आगे यहाँ जोड़, कितने जोड़ तो भगवान ने बना दिए। शरीर में जगह जगह हमारे जॉइंट है, हाँ इन जॉइंटों में बड़ी गंदी हवा शुरू हो जाती है। काका बड़ी गंदी हवा, फिर जोड़ यूं नहीं हुए हिलते ही नहीं है। कर्म करना तो बड़ा जरूरी है, कर्म तो जीव करेगा लाजमी तौर पर करेगा। जब तक हमारा शरीर और मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि, ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान। पुसाई जी ने भी इसी बात को दोहराया रामायण के अंदर, कर्म प्रधान विश्व करी राखो जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भगवान ने इस संसार के प्राणियों कर्म प्रधान बनाया हुआ है। जैसा कोई कर रहा है वैसा फल पाई जा रहा है। उधर भगवान जरा विस्तार कर देती है, भले या बुरे या मरक्कब मुरक्कब समर जो तारक है बच जाए इनसे मगर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। ये बड़ी लंबी कहानियां हैं 18वें अध्याय की, जब प्रसंग चला करता है हम लोग बड़े विस्तार पूर्वक इसके नीचे उतरने की अपनी ओर से पूरी पूरी चेष्टा किया करते हैं। तो अब हम इधर ले कर्म तो करेंगे, पर एक बात कही, कर्म किया जाता है, हाँ कर्म किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं कर्म किया जाता है, लेकिन कर्म करने का एक स्वाभाविक गुण है। हर मेरा बुजुर्ग मेरे बच्चा बेटी ध्यान सुनना, कर्म किया जाता है, हमने कर्म शुरू होता है बुद्धि से, बुद्धि में निर्णय होता है ठीक, फिर मन में विचार होते हैं ठीक, और इन अंगों द्वारा फिर हम कर्म करते हैं। बुद्धि में निर्णय, मन में विचार और तन द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं कर्मों द्वारा। लेकिन ये कर्म तब होते हैं, हाँ कर्म तब होती है जब या तो अपने प्रति प्रेम हो, या अपने परिवार के प्रति प्रेम हो, या अपनी जाति के प्रति प्रेम हो, या अपने समाज के प्रति प्रेम हो, या अपने प्रांत के प्रति प्रेम हो, या अपने देश के प्रति प्रेम हो। बिना प्रेम के कर्म होता ही नहीं, तेल लगा लो। या तो आपको अपने साथ हो, मेरी सेहत बनी रही ना, मेरी अच्छी अच्छी कपड़े उन पर्सनैलिटी बनी रहनी चाहिए ना, मेरे नाम के साथ कई डिग्रियां लगनी चाहिए ना। आहा महात्मा तक भी मैंने देखा, नाम ना बतलाऊंगा, हमारे पास धार्मिक कई मैगजीन यानी मासिक पत्रिकाएं आती हैं। तो एक पत्रिका मेरे हाथ में आई, मैं पढ़ने लगा विषय कि किसी ये महात्मा का विषय इधर मैं पढ़ू, क्या कलम चलाई है उन्होंने, तो देखा हाय उनके नाम के लिखा गया है लेकिन कहीं उनकी डिग्री नहीं छपी। तो उनके शिष्यों ने बैठ के पेन से उनकी डिग्री लिखी है, इतनी पत्रिकाएं 4000 छपती होंगी 5000, तो शिष्यों ने उनकी डिग्रियां साथ लिखी पेन से, नहीं प्रिंट हुआ ना हो, और वैसे तो आगे भी नहीं है सन्यासी को कि अपने पुराने आश्रम की डिग्रियां साथ लगाता फिरे, पुराने नाम को लेता फिरे, पुराने आश्रम की डिग्रियां लगाए। लेकिन इतना लोभ है डिग्री का कि अगर छपा नहीं तो पेन ले ले करके लिख रहे हैं उनके शिष्य। बड़ी हैरानगी की बात आते हैं, जरा देख ले कहां वो और कहां ये वातावरण ऐसा गंदा, वक्त ही ऐसा कोई अजीब किस्म का आया पड़ा है। कर्म होता है हाँ, या तो अपने प्रति, जैसे महात्मा जी को अपने प्रति प्रेम, डिग्री नहीं बर्दाश्त की, अरे मैं डिग्री को नहीं छापी, लिखो इसको
सारे बैठ के हाथ से कलम लेकर लिखने के लिए। क्या जो यूनिवर्सिटी में डिग्रियां तब अच्छी लगती थी जब हम गृहस्थी होते, तो जब गृहस्थी हो गई तब छोड़ दिया, तो फिर एक ही डिग्री है परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम, बस अनन्यता चाहिए। डिग्रियों को मारो काट, डिग्रियां तो थी स्वार्थ के लिए। खैर, अपने प्रति प्रेम हो तब कर्म होता है, परिवार के प्रति प्रेम हो तब कुर्बानियां होती हैं, अपनी जाति के प्रति प्रेम हो या प्रांत के प्रति प्रेम हो तब, समाज के प्रति प्रेम हो तब कर्म होती है। अब हम क्या है, हम ना भगवान के भक्त हैं, ऐसा कहने में हमें तो कोई शर्म नहीं आती। हम बड़े मान गौरव और बड़े उत्साह के साथ कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, दुनिया में सारे भक्त हैं। एक बार मैंने एक ऐसा कहा तो बड़े बच्चे हैरान हुए, हम तो कोई भक्त नहीं। ऐसा कह ही नहीं सकते आप, आपका यह कहना ही अहंकार से भरपूर है कि आप भक्त नहीं है। भक्त क्यों नहीं है? भक्त वो होता है जो जिस काम के लिए ज्यादा टाइम डिवोट करे। ही हु डिवोट्स मैक्सिमम आवर्स फॉर एनी ऑब्जेक्ट ही इज द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो अधिक समय किसी भी पदार्थ के लिए लगाता वो उसका भक्त कहलाता। जो अधिक समय किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए लगाता है, आप डिग्रियों के लिए लगाते हैं आप डिग्री भगत हैं, आप विद्या भगत, धन के लिए गाते हैं तो माया भगत, माँ बाप के लिए गाते हैं तो पितृ भगत, समाज के लिए गाते हैं तो सामाजिक भगत, देश के लिए गाते हैं तो देश भगत, भगवान के लिए गाती हैं तो प्रभु भगत। दुनिया तो घुघू है ना, भगत सारे ही है दुनिया में। हाँ, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, उनमें नेक भक्त वो है जो स्वार्थ छोड़कर के भगवान के भक्त हैं। तो लीजिए, हमें बड़ा गौरव है कि हम महाराज जी के भक्त हैं, हम अपने हजूर के भक्त हैं, हम अपने इष्ट देव जी त्रिलोकीनाथ के भक्त हैं, गीताधारी के हम भक्त हैं। बहुत सुंदर। अब भक्त क्या, भक्त कब होता है? जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा कब होती है? जब ये समझ आ जाए कि इनसे ही मेरा कल्याण हो सकता है और मेरा कल्याण करने में कोई समर्थ ही नहीं है, तब श्रद्धा उसके प्रति जागती है। आपको धन के प्रति श्रद्धा है ना, कि धन के बिना गुजारा नहीं है। जब ये भाव बैठ जाते हैं धन के बिना गुजारा नहीं है, चाहे मैं लड़की हूं चाहे मैं लड़का हूं, मैं खुद कमाऊंगी, पैरे पर खड़ी रहूंगी, कल वो मर जाए जिसके साथ मेरी शादी हो तो मैं इधर देखती रहूं, कल इमरजेंसी फॉल कर जाए तो आई मस्ट बी अर्निंग है, मेरे क्वालिफिकेशन तो हो, मैं कमाऊं ना कमाऊं पर आई मस्ट बी क्वालिफाइड। अगर इमरजेंसी को फॉल करती है तो मैं अपने पैर पर खड़ी जाऊंगी। शाबाश, आधा रंडेपा कट जाता है जब आदमी कमाने के काबिल हो या उसके पास काफी धन हो। तो ऐसी सी बातें हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। मैं सारा दिन घर के अंदर बर्तन थोड़ी मांगती रहूंगी, मैं अपने बच्चे थोड़ी खिलाती रहूंगी, मैं जन्म देऊंगी पालेगी कोई और। वेरी गुड, कल जो किसी कहते हैं पुत्र, तो आप जब ऐसी रहते इसके बिना चारा ही नहीं है, इसके बिना गुजारा नहीं, तब आप मरती हैं। इसी तरह जब अपने मन के अंदर हो तो भगवान के बिना चारा है ही नहीं। अगर मैं शांति चाहता हूं, आराम चाहता हूं और आवागमन से मुक्ति चाहता हूं, हाँ, तो लाजमी तौर पर मुझे भगवान का सहारा लेना होगा। एंड नो ऑल्टरनेटिव, कोई चारा ही नहीं और गुजारा ही नहीं है। मैं तो अपने मन में यूं समझाया करता था, जैसे कभी कभी यूनिवर्सिटी में के पेपर में आता था, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, यानी ये नहीं कि आप उसको करें ना करें, ऑप्शनल नहीं है, इट इज कंपल्सरी, यू आर बाउंड टू अटेम्प्ट, फर्स्ट इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर, पहले तो करना ही है, अनिवार्य है, बाकी कोई चार सवाल कर लो। इसी तरह जिस नेक बेटी और नेक मेरे बच्चे के अंदर ये बात बैठती है कि भगवान की भक्ति तो अनिवार्य है, बाकी काम हो ना हो, निज ना हो, ये मार्ग उनके लिए है। डिवोशन इज कंपल्सरी, ऑल अदर्स ड्यूटीज आर सेकेंडरी, ऑप्शनल, सेकेंडरी कह दूं, ऑप्शनल कह दूं, बाकी तो ऑप्शनल है, ये तो कंपल्सरी है, ये मार्ग उनके लिए वाइड ओपन। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दिस पाथ इज वाइड ओपन टू दोज लकी सोल जिन्होंने ये जान लिया है कि डिवोशन इज कंपल्सरी, ये तो कंपल्सरी एसेंशियल, इट इज इनएविटेबल, इट इज अनअवॉइडेबल, नो ऑल्टरनेटिव, ये तो करनी है, कोई चारा ही नहीं। जिनके अंदर ये आ गया कोई चारा ही नहीं, हां, अब उनके अंदर प्रेम का दरिया उमड़ता है। किनके अंदर? इन ऐसे नेक जीवों के अंदर, किनके प्रति? भगवान के प्रति। जिस लड़की के अंदर शादी के बिना मेरा चारा ही नहीं, हां पति देखा नहीं लेकिन किसी के लिए मन में आपने रिजर्व रखा हुआ प्रेम, किसी के लिए प्रेम रिजर्व रखा है, अगर ये मन में समा गई कि भाई ये लाइन तो मुझे पकड़नी, शादी तो मेरी होगी ही, तो फिर आप कोई नजर नहीं आया, कोई सुटेबल भी नहीं मिला, लेकिन प्रेम किसी पुरुष के प्रति चुपके चुपके और छुपके छुपके
मन की एक कोनी के अंदर पड़ा हुआ है, जब मौका लगेगा तो हार निकल आएगा। इसी तरह सरकार जब ये भाव बैठे इसके बिना चारा ही नहीं तो प्रेम भगवान के प्रति भागेगा दौड़ेगा। नोट करना ये पॉइंट बहुत कमाल का जो मेरे आचार्यों ने मेरे पर विशेष कृपा करते हुए मुझे प्रदान किया। जब ये हो जाए कि इसके बिना चारा ही नहीं है, ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है, बस फिर भगवान के प्रति प्रेम होगा। जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो ये जरूरी है, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति प्रेम है। क्या क्या कुर्बानियां आप नहीं कर चुके और क्या क्या कुर्बानियां आप नहीं करेंगे, अगर प्यार बच्चों के प्रति बना रहा तो। आप मां हो ना, क्या क्या कुर्बानियां आपने अपने बच्चों के लिए नहीं की, प्रेम में भरकर, मोह में भरकर। और अगर ये अवस्था बनी रही तो क्या क्या कुर्बानियां आप नहीं कर जाओगे, यहां तक कि जिंदगी भी उन्हीं के लिए त्याग जाओगे। जहां प्रेम होता है वहां कुर्बानी होती है। मैं क्या करूं, ये जरूरी बात है, भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है। जहां जिसके प्रति प्रेम होता है वहां हर रोज कुर्बानियां होती हैं। कुर्बानी कुर्बानी, धन की कुर्बानी, समय की कुर्बानी, अपने सेहत की कुर्बानी, अपने सुखों को उसके लिए करना, दुख बर्दाश्त करना, कुर्बानी कुर्बानी होती है, कुर्बानी कुर्बानी होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आए और कहे उनका, आ बेटे मुझसे आशीर्वाद लो, कल तुमने जहाज पे जाना है, फ्लाई करना है, और आओ मुझसे आशीर्वाद लो। अब आशीर्वाद लेने के लिए गए, धड़ाम से गिर पड़े चरणों के अंदर और फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव, अरे रोते हो, ना जाओ। जो आगे गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। रोते क्यों हो, आपने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना तो होगा, पर तुम रोते क्यों हो, मुझे किसी बात का गम नहीं, मुझे वहां क्या होगा, आदर होगा अनादर होगा ये तो आप जानो, या कुछ भी तकलीफ होगी ये आप जानो, मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे। मैं इससे इतनी हस्ती से मालूम हो जाऊंगा जो भगवान को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। मैं तो, आप तो मेरे लिए शीशा हैं, विकर्ण के शब्द, आप तो मेरे लिए शीशा हैं, आप में मुझे भगवान नजर आते हैं, आप में मुझे भगवान नजर आते हैं। अगर मुझे रोना है तो ये रोना है कि मैं आपको नहीं देख सकूंगा, अर्थात अपने परम पिता को। अभी अपने में तो पूर्ण रूप में देखा नहीं, पर आप जैसे आपके लिए शीशा होता है, शीशे में क्या देखती हो माँ, शीशे में क्या देखती हो, किसी और को फिटे शीशे में, आप अपने आप को देखती, दर्पण बोलते हैं, दर्पण, दर्पण में किसको देखते हैं, हम अपने प्रतिबिंब देखती हैं। इसी तरह गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरम, गुरुदेव मुझे और तो कोई घाट नहीं, मुझे ये घाट है कि मुझे ऐसा दर्पण नहीं प्रतीत होगा। अच्छा ये बात, तो जब देखिए जरा पहुंचे हुए की जरा वरदान लीजिए विवेकानंद, इसके लिए भी न रो, जब भी तू मुझे देखना चाहेगा आंखें बंद करना, मैं तुझे अपने आप को दिखा दूंगा। यही शरीर छोड़ती बार वरदान दे गए थे अपनी श्रीमती शारदा को। जब शारदा फूट फूट कर रोने लगी, आप विदा होने जा रहे हैं, हाँ शारदा मैं अब तेरे से अलग होने जा रहा, फूट पर रो गए। बड़ी जैसे औरतें रोती है पुत्र, बड़ी बुरी तरह शारदा रोई। अगर आपने जीवनी पढ़ी है शारदा माँ की, बड़ी कमाल की जीवनी है, बड़ी मीठी और बड़ी विचारणीय जीवनी है, रोमांचकारी जीवनी, तो बड़ी रो पड़ी जोर की। तो उस वक्त भी कहा राबी परमेश ने, क्यों रोती है, मैं मुंह में नहीं रो रही, हाँ मैं इसलिए रो रही हूं कि अब किन के अंदर मैं भगवान को देखूंगी। अच्छा शारदा मैं वचन देता हूं कि जब भी तू मुझे देखना चाहेगी देख लेगी, ठोस रूप में देखना चाहेगी, ये तो मैं दुनिया में कभी नहीं दृष्टांत पड़ा। जो रामकृष्ण परमेश कर गए मैंने नहीं कहीं पढ़ा, ठोस रूप में देखना चाहेगी तो ठोस में देख लेगी, अपने में देखना चाहेगी तो मुझे अपने में देख लेगी। तब शारदा अपने आप में आई, अपने मन को ठहरा लिया कि महाराज जी वरदान दी जा रही है। तो विक्रांत को जब ये कहा, विक्रांत प्रसन्न हो गए, गुरुदेव हाँ ऐसा ही होगा। तो कुछ जल लेकर के छिड़क दिया उसके ऊपर, एक शक्ति भरा जल दे दिया और वो प्रसन्न हुए। उसके बाद कहने लगे, विक्रांत अब तुम जा रहे हो ना, तुम समाज की सेवा करने जा रहे हो ना, हाँ तुम्हें समाज के प्रति प्रेम है, ध्यान देना जरा, तुम्हें समाज के प्रति प्रेम है। ना गुरुदेव मुझे कोई प्रेम नहीं, फिर पिटते मुंह तुम्हें समाज के प्रति प्रेम है ना, क्योंकि कर्म तो तब होता है जब उनके प्रति प्रेम हो। गुरुदेव मुझे तो कोई प्रेम नहीं, फिरते है तेरे, तुम्हें प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं, गुरुदेव मुझे तो कोई प्रेम नहीं। हर पाप स्पष्ट भाई, पाप आदमी तब करे जब अंदर कुछ बाहर कुछ, अगर सिद्धी बात के तो कोई पाप ही नहीं। तुम्हें प्राणियों से प्रेम नहीं, ना तुम प्राणियों भगवान को नहीं देखते, ना वो पिटे मुंह, तो कर्मयोगी को कैसे बनेगा, फिर विदेश में जा रहा है, हाँ तो फिर तुम्हें क्या प्यार है। गुरुदेव मुझे तो आपके प्रति प्रेम है, मैं तो अपना सर्वस्व आपको समझता हूं। रामचंद्र परम सेवी ऐसे
मैं कुछ समझता हूँ, सर्वस्व आप कुछ समझता हूँ। आप ही प्राणी हैं, आप ही पदार्थ हैं, आप ही समाज हैं, आप ही दुनिया हैं, आप ही मेरे इष्टदेव हैं, आप ही मेरे कृष्ण हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अच्छा तो फिर क्या करेगा? मैं तो आपके लिए जाके सेवा करूंगा। बड़े गजब की बात है, मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है और मेरा मन बलियों चलता। मैं तो आपके हुक्म को अपने सिर मत्थे पे रख के जाके कर्म करने में अमेरिका में जा रहा हूं, सेवा करने जा, पर मैं तो आपकी सेवा करूंगा। अच्छा रसोई में जा, चाकू उठा के ले आ, आखिरी उपदेश स्वामी जी का, परमहंस जी का। जा रसोई में, चाकू या काटने वाली कोई छुरी लेके आ। वो लेके आया, मुझे दे। हाय या होगी परीक्षा बेटी, बड़े गजब की। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे चाकू पकड़ा, ध्यान देना बच्चे, आज तो शायद मैं नहीं भूल सकूं और आगे। मुझे चाकू पकड़ा। हाँ, हैरान हो गया। चाकू में दो हिस्से होते हैं सरकार। ओ मेरे बच्चों, चाकू में दो हिस्से, एक दस्ता और एक फला, दो मिली होती है ना आपस में, एक हैंडल और एक आगे वो होता है मेरे बेटे, बेटे आगे ब्लेड, एक हैंडल एक ब्लेड। एक तो लकड़ी का दस्ता होता है हमारे हाथ में, एक जो काटता है उसको बोलते हैं फला। दो होती है ना, दस्ता और फला आपस में जुड़े होते हैं। हाँ, अब गुरुदेव मानती है कि मुझे तुम चाकू दो। हाय 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 हाय, बड़ा मानता है कि मुझे चाकू दो। हाँ, हैरान, ये तो जीवन में पहली बार प्रश्न हुआ है। कईयों ने मांगी होगी, आपने पकड़ाया, खोल के दिया, दे दिया। तो छुरी तो खुली होती, छुरी को बंद करे चाचा करे, छुरी तो पहले छुरी में वो तो होता ही नहीं कि बीच में छेद और यूं कर दो। चाकू को तो आप अंदर बंद कर सकती हैं, यू कैन, लेकिन छुरी तो बिल्कुल हंकारी आदमी टेढ़ी होती है, वो तो यूं नहीं मुड़ती, वो तो सिग्नल हमेशा ही अप रहेगा। तो आप तो वो सीधा है, तो आप गुरुदेव मांग रहे हैं। विक्रांत क्या हो गया, मुझे पकड़ा, मैं दो बार कह चुका मुझे चाकू पकड़ा। गुरुदेव ये प्रश्न कुछ टेढ़ा है, मेरी समझ से बाहर है, अगर ये मामूली बात होती तो आप ये प्रश्न क्यों कहते हैं? इतनी बुद्धि तो मेरी पकड़ चुकी है कि ये मामूली प्रश्न नहीं है, ये मामूली प्रश्न नहीं है। अरे नरेंद्र तू मुझे पकड़ाना। अस्सलाम उनका नरेंद्र था, बाद में विवेकानंद संन्यास के बाद रखा गया, गुरु का बख्शा हुआ नाम विवेकानंद, वैसे पहला नाम नरेंद्र थे। तो नरेंद्र पकड़ा, क्या सोच रहा है गुरुदेव, इसमें कोई खास राज है? हाँ बेटी शाबाश, तू बहुत दाना है, बहुत दाना है। देख बच्ची, जब किसी बड़े को जैसे तुम मुझे सब कुछ समझते हो, हाँ गुरुदेव, जब उनको देना हो ना, चाहे पकड़ानी हो, हाँ, तो जिससे चोट लग सकती है वो फला अपनी ओर कर ले और लकड़ी वाला मेरी ओर कर ले। ध्यान देना मेरे बच्चे, हुए बात छोटी सी है लेकिन बहुत शिक्षा से भरपूर है। वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव इंसिडेंट, वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव, शिक्षा से भरपूर। जब अपने अत्यंत प्यारे को देनी हो ना कोई चीज, तो उसमें जो नुकसान जिससे हो सकता है वो अपनी ओर, फला अपने हाथ में पकड़ ले, मेरी बोली समझो, ब्लेड अपने हाथ में पकड़ ले और जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो मेरे हाथ में पकड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरु, ऐसे ही किया। अगर लग भी जाए तो मुझे लगे ना, गुरुदेव की तरफ तो दस्ता है ना, ब्लेड वो हैंडल है ना, पकड़ा पकड़ा दिया। शाबाश मेरी बेटी, तुम कहां जा रहे हो? आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अमेरिका में प्रचार के लिए जा रहा हूं। तो बेटे ऐसे ही करना, मुझे क्या पकड़ाया था महाराज? मैंने आपको दस्ता पकड़ाया है और जो काटने वाली नुकसान देने वाली चीज अपनी ओर रखी है। बस बेटी, जब तुम मेरे नाम पे प्रचार करने जा रहे हो तो नुकसान वाला बात अपने में रखना और फायदा देने वाली बात समाज में। क्या गजब की पैगाम है, क्या कमाल का तरीका है भगवान को अपना बनाने का। जिससे कोई नुकसान हो सकता है वो अपनी ओर रखना, नुकसान तो मेरा हो पर समाज का भला हो। जैसे तूने चाकू पकड़ाया, दस्ता तो मुझे पकड़ाया है और ब्लेड अपनी ओर रखा है, कट जाए तो मेरा हाथ कट जाए, गुरुदेव का ना कटे। दस्ता इस तरह समाज में इस तरीके से रहना, इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से भाषण देना कि हर एक का लाभ हो और नुकसान भले तेरा हो जाए। सबकी भलाई में कहां रहे वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे गदगद हो गया, प्रेम के अश्रु बहने लगे, गुरुदेव के चरणों में लोटपोट हो गया। महाराज मैंने राज की बात पा ली, मुझे राज की बात पता लगी, जिसने समाज की सेवा करनी है वो नुकसान खुद उठाए और दूसरे का भला करता जाए। जब इस तरह भला करता जाएगा भगवान मजबूर हो जाती हैं उस पे रहमत हक की वर्षा करने के लिए। रहमत हक उस पे बरसाती है नूर, उससे रहती है बलाएं दूर दूर। बेटे
कर्म में कहते कब होता है, जब प्रेम में भर जाता है आदमी, तब भला ही भला होता, बुरा हो ही नहीं सकता। अब तेरी अम्मा तेरे पे बुरा नहीं कर सकती, तेरे बाप तेरे पे बुरा नहीं, क्योंकि प्रेम भरा पड़ा। बेटा अभी तक भारत में मशहूर है, पुत्र का पुत्र हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं हो सकती, पिता कुपुता नहीं हो सकता है। पुत्र का पुत्र पॉसिबल, लेकिन माता पिता कभी भी गंदे नहीं हो सकते। उनमें बच्चे की अपेक्षा ज्यादा ममता है माँ बाप के अंदर। अम्मा हमारी सुनाती थी, पुत्र किसी का इकलौता पुत्र था। अच्छा अम्मा, फिर उसने बड़े लाड चाव और कुर्बानियां करके पाला। अच्छा, वो बुरी सोबत में पड़ गया। अच्छा अम्मा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो बड़ा हो गया, फिर क्या हुआ? वो किसी वेश्या से, क्षमा करना मेरी बेटी, प्यार करने लग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वेश्या के तन बदन में वो उलझ गया। फिर क्या हुआ अम्मा? फिर क्या हुआ? हाँ, माँ उसे बुरा भला कहती थी और वो सारी बातें जो माँ वेश्या को गालियां निकालती थी वो जाके बता देता जब उसके पास जाता। हाँ, फिर क्या हुआ? एक दिन वेश्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? तो उसने कहा, इसमें भी कोई शक है? अगर ये बात है तो तुम माँ का कलेजा निकाल के लाओ, तब मैं जानूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अम्मा, ये क्या हुआ? हाँ पुत्र, मैं ठीक बता रही हूँ, मेरे जैसे ने इतराज किया। हम लोग उन दिनों चौथी पांचवी छठी जमात में थे, जबकि अम्मा हमें रात को सुनाया करती थी जब तक नींद नहीं आती थी। तो फिर माँ ने सुनाया, फिर अम्मा, फिर उसने क्या किया उस दुराचारी ने? हाँ माँ, अम्मा, तू ये ना सुना मुझे, सच माँ? हाँ, उसने सोती हुई माँ को छुरा मार के कलेजा निकाल लिया। है अम्मा, उसने कलेजा निकाल लिया? मैं तो चीख निकल पड़ी थी, मैं तो रो पड़ा। अम्मा, तेरी जैसी माँ का पुत्र, वो तो तू तो मेरा चंगा पुत्र है ना, वो तो गंदा पुत्र था, दुराचारी था। अच्छा अम्मा, दुराचारी ने ऐसा कर लिया, माँ को मारा छुरा? पुत्र सुन तो सही। अच्छा, फिर वो कलेजा निकाल के वेश्या के घर में भाग के ले जा रहा था कि रास्ते में ठोकर लगी और कलेजा गिरा और बोला, पुत्र तैनू तो चोट नहीं ना आई? माँ का कलेजा बोलता है, पुत्र कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? पुत्र को गश आई, गिर गया, कलेजा उठाया, वापस आया, माँ के चरणों में गिर गया, कलेजा अंदर गया, माँ उठ बैठी, छाती से लगा ली। कलेजा गिरता है और कहता है, पुत्र तुझे चोट तो नहीं आई? जहां अत्यधिक प्रेम होता है वो दुख पाके भी दूसरे का भला चाहता, प्रेम में ही कर्म होती है सजनों, मेरी माता और मेरी बेटियों, प्रेम में भर के ही कर्म हो सकती है, वरना कर्म नहीं होता। अगर हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, और ये बात बड़ी गहरी उतर गई है कि भगवान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, तो फिर जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो अभ्यास के हो न काबिल अगर, तो फिर मेरी खातर तू आमाल कर। अगर हमारे में सच्चा प्रेम आ चुका है भगवान के प्रति, तो खामखा कर्म भगवान के लिए होंगे, हम खुद दुख पाएंगे, हम मुसीबतों में रहेंगे, कठिनाइयों में रहेंगे, लेकिन भगवान के लिए कर्म करेंगे, एहसान नहीं करेंगे। बल्कि प्रेम की रीत यही कि हर एक सब कुछ कुर्बान हो जाता है प्रेमी के लिए, जिनसे हमारा प्रेम है उनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को बाखुशी तैयार हो जाते हैं, सहर्ष अपने आप को कुर्बान किया जाता है। तो भगवान किसी अगर नहीं कर सकता, तो जो अभ्यास के हो ना काबिल अगर, तो फिर मेरी खातिर तू हर काम कर। टटोलो अपने आप को, भगवान के प्रति मेरे मन में प्रेम है, और प्रेम तब आता है जब ये समझ आ जाए कि इनके बिना चारा ही नहीं, इनके जैसा तो पुत्र के बिना चारा ही नहीं, पुत्र पैदा भी नहीं हुआ, आपके प्रति जबरदस्त प्रेम है, शादी के बिना चारा ही नहीं, कुछ सूटेबल वारी नहीं मिला फिर भी आपके मन बड़ा प्यार है, डिग्री नहीं मिली आपको फिर भी आपके मन, फिर डिग्री के बिना, कमाई के बिना, आजकल चारे नहीं, अर्निंग मस्ट बी, तो कितना प्रेम है आपको कमाई के प्रति और पढ़ाई के प्रति। यानी आप सिद्धांत क्या है, जब मन में ये बैठ जाता है कि इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं, तो प्रेम का दरिया अपने आप ही उमड़ने लगता है सजनों, देवियों प्रेम का उमड़ा अपने अंदर उमड़ आ जाता है, जो अपने अंदर आ जाता है, तो अगर भगवान के प्रति है हाँ, तो खामखा क्या होगा, भगवान के लिए कर्म होगा, भगवान के लिए जिंदगी होगी, और जिंदगी में हर स्वास्थ भगवान का होगा, और जो छोटी बड़ी क्रिया की जाएगी भगवान भगवान के, चल नहीं मन बुद्धि दे सकता ना सही, मेरे मुझे तो हर समय जाप नहीं कर सकता ना सही,
जो अब क्या क्या भगवान के प्यारे प्यारे नूने नूने सुने सुने शब्द निकल रहे गए, जो अभ्यास की हो नकाबिल अगर ठोकते हुए जैसे कोई पीठ ठोक रहा हो और छाती से लगा के मस्तक चूम चूम के कह रहा, जो अभ्यास के हो नकाबिल अगर, तो फिर मेरी खातर तू इस मेरी में कितना रस है मैं जानता हूँ, क्या बताऊ। ये विषय अनुभव का है, मेरी बेटी बोलने के विषय में ये जान जो इसमें जो मेरी लगा पड़ा हो, मैं कुर्बान हूं इस मेरी पर, कोई कुर्बान इस मेरे पर। हाय 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 हाय। एक महात्मा जी समाधि में बैठे थे, हाँ अचानक ही वो समाधि से उसकी उनकी समाधि खुली और खुली और देह अवस्था में आए, धीरे करके श्वास नीचे उतरते हैं और आए, हाँ, और उन्होंने शुक्र मनाया कि दाता शुक्र है कि भरे जोबर में आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, वरना जो पहली अवस्था बालक पाना होता है वो बड़ी गंदी होती है, मूर्ख होता है, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है शरीर में इतनी समर्थता ही नहीं रहती कि ध्यान लगाया जा सके। अब भाव तो ये थे, बोला तो ये, पिछली को हम चावत नाही अगली भी कछु ना, बलिहारी जाऊं इस विचली के। जो ये अवस्था विचली है बड़े कमाल की, बहुत ही गजब की, बलिहारी जाऊं इस विचली के जिसने मुझे मालिक के संग मिला दिया। पहली वस्ती कुछ नहीं, तो बालकपना मूर्खापना, और जो बढ़ापा होता है वो भी दूसरा बचपना होता है, वो भी मूर्खता से भरपूर होता है। बलिहारी पहली को हम चावत नाई पिछली भी कथु ना, बलिहारी जाओ इस विचली के। जो मेरी मार दिया बिना तलवार बिना कैंची बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, इस शब्द ने हमें कत्ल करके रख दिया, जख्मी कर दिया। जो अभ्यास के हो न काबिल अगर, फिर तुम फिर मेरी खातर सब आमाल मेरी, इस मेरी में क्या भरा पड़ा है, ये मेरी है या रस भरी है, ये मेरी है कि एकदम अपने में वलीन कर लेती है। तू मेरा नहीं है, क्यों नहीं मालिक, मैं तो आप ही का हूं, हाँ तो फिर मेरी खातर जुट जाना, हाय तो मेरे लिए अपने आप को जुटा दे ना, हाय। जो देखिए हजूर अनवर क्या कह रही है, जो अभ्यास के हो न काबे लगन, तो फिर मेरी खातर सब आमाल कर। मेरी कौन कह रही है, मेरी कौन है, भगवान जी या मेरी कौन है, अपने प्रभु जी। पतिदेव घर में बैठे हुए थे, हाँ, और कोई दुकान का जरूरी का वही खाता मिला रहे थे, गली में या आंगन में खप मच गई। अब घर वाली को बुलाया, ए पारो पारो, ये क्या चीखे चिल्लाने की आवाज आ रही है, हाय मैं मर गई, आप ही का तो काका है, है मेरा काका, इतनी रस भरी आवाज की तो पहले कह रहे, इतनी चीखो पुकार क्या बकवास लगा रखी है, आप ही को तो काका है, है कहके मार रहा था, है बड़ी रसभरी आवाज है, ले जरा मैं छाती से लगा लो, फौरन पास ही पलट गया। अगर मेरा काका है तो, अगर मेरा पोता दोस्त है तो आना, मैं रस भर मस्तक चूम लू और अपने छाती से लगा लू, है फौरन फौरन, है शाम मेला हो गया, हाँ बार किसी ने खटखटाया दरवाजा, हाँ तो अब कौन, घरवाली बोली को डर तो होता ही है, जरा सूर्य सुजाने के बाद चोर उचक्के आए जाते हैं, तो कौन, मंगता फिर पिटता है मुंह मंगता, एक बताई में मगन था, दिन गुजर गया तो आया नहीं, हाय ओ मैं काके दा पियो मंगता राम, हाय मैं मर गई, अब मैं मर गई, हाय मैं पलका बिछावा, मैं वारी वारी जावा, हाय मैं आई वे आई, वो मैं मंगता था काके दा पियो मंगत राम। इतना अंतर पड़ जाता है जहां मैं बन जाता है, वरना कह रही थी डर बिटे मुंह एक मंगन दे टाइम में, जो अभ्यास के हो ना काबल अगर, तो फिर मेरी खातर ध्यान देना, अगर भगवान के प्रति प्रेम आपका आ गया है और मन अगर मेरे इष्ट देव की ओर झुक गया है, तो फिर मेरी खातर तू आमा। विषय चलता रहेगा, हम अपने मन को प्रेम में भरते रहेंगे और सारा जीवन महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित किया चाहती हैं, कर चुके हैं, कर दे, हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।